हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं निधिवन। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ और यहाँ का कुछ दृश्य देख सकते हैं निधिवन के जस्ट सामने। तो हम आज अंदर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का सीन। जैसा कि देख सकते हैं इधर बंदरों से बहुत डर था, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत आ थी। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का सीन। हम लोग अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त लोग आ रहे थे गाइस, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ था। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है आपको। यहाँ पर आने से ही आपको लगता है कि ऐसा यहाँ पर कृष्ण जी आते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और यहाँ का दृश्य देखकर आपको मन को भाई वाह वाह क्या शांति मिलती। तो ठीक है, बने रहेगा वीडियो में, दिखाते हैं आपको कुछ आगे का नज़ारा। और काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है निधिवन का। तो देख सकते हैं काफ़ी इधर से पूरा तुलसी जैसा पेड़ है पूरा बताया जाता है, और इधर से पूरा जाली लगा कर घेरे हुए हैं। यहाँ पर बताते हैं कि लोग जो कृष्ण जी थे हमारे, यहाँ से मिट्टी उठाकर खाया करते हैं थे। और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी भीड़ लग चुकी है। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर रात में श्री कृष्ण जी आते हैं। तो आइए देखें यहाँ पे भक्ति मजा। तो कृष्ण जी के भजन में एकदम लीन है और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे सामने ही कुछ मूर्तियाँ मिल जाती हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण जी के दर्शन करने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत अद्भुत तरीके से मनाया गया है। निधिवन के बीच में हैं हम लोग इस समय, और बताया जाता है कि यहाँ पे रात में श्री कृष्ण जी आते हैं और अपने गोपियों के साथ यहाँ पर लीलाएं करते हैं। हालांकि अध्यात्म की चीज़ है। तो ठीक है, तो सामने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ राम जी की मूर्ति मिल जाती है, श्री राम जी, और साथ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेस मिलता है। तो हमारे सामने आज कुछ जोड़े में राधा कृष्ण के रूप में यहाँ पर लोग आए थे, तो उनके साथ भी कुछ फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मुरली चुरा कर राधा मैया ने बजाई थी। तो ठीक है, मिलते हैं और आगे सीन देखते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा। और भाई यहाँ पे तो गजब ही कमाल का सीन चल रहा था। एक बंदर ने जो होता है लीम का कोल्ड ड्रिंक उसको फाड़ के भाई इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था कि सबको देखकर हंसी आ रही थी। तो सामने देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। फिर आगे चलते हैं, देखते आते हैं एक तुलसी का पेड़ जैसा। देख सकते हैं लोग यहाँ पे अपना माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं। तो थोड़ा हम भी दर्शन वर्शन कर लेते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे कुछ भाई सुंदरता यहाँ की देखकर ऐसे लगता है कि सच में यार कुछ यहाँ पे है ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आने का मकसद ही कुछ शांति फील करना था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग रक्षाबंधन से पहले इसमें कुछ जो राखी बांध दिए हैं लोग। तो इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के लोग यहाँ पे आते हैं, लोग बताते हैं इसके वजह से लोग इसकी इन अथवों में मतलब इन डालियों में अपना रक्षाबंधन बांध देते हैं ताकि उनको कृष्ण जी की अनुमति हो। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सामने निधिवन के घाट पे। यहाँ पे एक घाट है, काफ़ी अच्छा सीन है। यहाँ पे यमुना मैया जी हैं और यहाँ पे लोग स्नान करके निधिवन भी जाते हैं, बांके बिहारी दर्शन भी करते हैं और यहाँ से अपनी परिक्रमा भी करते हैं। तो आज के ब्लॉग खत्म करते हैं और चलते हैं, रास्ते में कुछ सीन दिखाते हैं।